ग्रीटिंग्स एवरीवन इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये हमारा कंप्लीट टॉपिक है दोस्तों कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। यानी इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से हम एनालाइज करेंगे कि कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन किस लेवल पे मिलती है अब ये जो इनडिफरेंस कर्व है इसका मीनिंग देखते हैं दोस्तों क्या है देखिए टर्म क्या है इन यानी इन डिफरेंस डिफरेंस का मतलब होता है अलग अलग डिफरेंट पोजिशंस यानी सेटिस्फेक्शन का लेवल भी अलग अलग होना और इन डिफरेंट मतलब होता है अलग अलग सिचुएशन हैं लेकिन सेटिस्फैक्शन का लेवल सेम है इनडिफरेंट मीन तटस्थ सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अब इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या हुआ यानी एक ऐसा कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है मान लीजिए दिस इज अवर इंडिफरेंस कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स विच सब्स्टिट्यूट ईच अदर यानी हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को एक्सप्लेन करने के लिए किन्हीं दो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन लेते हैं दोस्तों वो प्रोडक्ट जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं जैसे यहां पर ओ वाई एक्सिस पे हमने लिए हैं एप्पल्स ओ एक्स एक्सिस पर हमने लिए हैं ऑरेंजेस जिनको स्वीट्स पसंद हैं वो इसमें गुलाब जामुन और रसगुल्ले भी ले सकते हैं वो इसमें मिल्क केक और काजू कतली भी ले सकते हैं आपने कॉम्बिनेशन बनाना है ऐसी चीजों का जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकती हैं देखिए और यहां हमने लिया है एप्पल्स और ऑरेंजेस को अब ये इंडिफरेंस कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं ये कर्व दोस्तों किन्हीं दो प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करता है इसमें कंज्यूमर की गिवन इनकम होगी इनकम इज ऑलरेडी गिवन और वो चेंज नहीं होती कहने का मतलब मान लो आपके पास फाइव हंड्रेड रुपीज हैं और मार्केट में आप गए यह सोचकर कि इन पांच सौ रुपए को एप्पल्स और ऑरेंजेस पे खर्च करना है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस अब समझ लो दोस्तों जब आप पांच किलो एप्पल्स लेते हो तो आप ऑरेंजेस लेते हो एक किलो जब आप एप्पल्स लेते हो तीन किलो तो ऑरेंजेस लेते हो चार किलो जब आप एप्पल्स लेते हो वन के जी ऑरेंजेस लेते हो सिक्स के जी यानी एप्पल और ऑरेंजेस के डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे लेकिन जो पांच सौ रुपए में आप आएंगे लेकिन हर कॉम्बिनेशन पे जो कंज्यूमर है यानी आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी थोड़ा सा इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से देखते हैं दोस्तों एक पॉइंट हमने ये ले लिया सेकंड हमने यहां लिया है थर्ड एंड फोर्थ यानी हमने फोर कॉम्बिनेशन बनाए हैं एप्पल्स और ऑरेंजेस के देखिए जब कंज्यूमर इतने एप्पल खरीदता है तो वो ऑरेंजेस खरीदता है इतने दिस मच जब एप्पल्स की क्वांटिटी कम हो जाती है देखिए दोस्तों तो ऑरेंजेस की इंक्रीज हो जाती है जब एप्पल्स की क्वांटिटी और कम होती है तो एप्पल्स की ऑरेंजेस की और बढ़ जाती है जब एप्पल की क्वांटिटी और कम होती है तो ऑरेंजेस की और इंक्रीज हो जाती है देखिए दिस इज आईसी कर्व आईसी इंडिफरेंस कर्व ए बी सी डी चार कॉम्बिनेशंस हैं, यानी अगर जो कंज्यूमर है फर्स्ट कॉम्बिनेशन लेता है तो वो एल ओ एल एप्पल्स लेता है तो यहां पर ऑरेंजेस -E लेता है जब वो एप्पल्स लेता है यहां इसे एम ले लेते हैं एप्पल्स लेता है ओ एम तो ऑरेंजेस की क्वांटिटी इंक्रीज होके हो जाती है ओ एफ इनके अलग अलग पॉइंट्स के नाम दे सकते हो आप तो ये कॉम्बिनेशन हुए ए बी सी डी चार कॉम्बिनेशन हुए याद रखिए एनालिसिस एनालिसिस क्या कहता है है का मतलब होता किसी चीज की स्टडी करना यानी कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम एप्पल्स और ऑरेंजेस के दो कॉम्बिनेशन पर खर्च कर रहा है और इस तरह उसके चार सिचुएशन बनी चार पोजिशन बनी चार कॉम्बिनेशन बने इन चारों पे कंज्यूमर इज डिराइविंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो सेम मिल रही है न कम ना ज्यादा तो ये है हमारा इनडिफरेंस कर्व अब यहाँ इनडिफरेंस का मतलब क्या हुआ यानी ये जो कर्व है ये शो कर रहा है जो कंज्यूमर है ही इज इनडिफरेंट अक्रॉस ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस यानी उसकी पोजिशन जैसी ए पे है वैसी बी पॉइंट पे है वैसे ही सी कॉम्बिनेशन पे है वैसी ही डी कॉम्बिनेशन पे है, है। यानी उसकी पोजीशन डिफरेंट नहीं है बल्कि इनडिफरेंट है एंड दिस इज कॉल्ड इनडिफरेंस का मीनिंग रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच रिप्रेजेंट ईच अदर एंड ऑन ईच पोजिशन द कंज्यूमर इज हैविंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हर पोजीशन पे हर कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो सेम मिल रही है यानी उसकी पोजीशन इनडिफरेंट है इनडिफरेंट डिफरेंट नहीं है याद रखिए अलग नहीं है सेम पोजीशन है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है अब इनडिफरेंसकारों के लिए हमें कुछ एजमशन लेनी पड़ती हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स में जितनी भी थ्योरीज हैं याद रखिए थोरीज आर बेस्ड ऑन एजम्शंस यानी ये इंडिफ़रेंस कर्व तभी अप्लाई होता है या इट होल्ड गुड ओनली वेन दीज एजम्पन्स आर देयर दीज एजम्पन्स एग्जिस्ट तो इन एजम्शंस इन का होना बहुत जरूरी है तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के लिए जो फर्स्ट एजम्पन है दोस्तों वो देखिएगा फर्स्ट इज मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज जो कंज्यूमर है उसकी मनी इनकम गिवन होती है और वो चेंज नहीं होती जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में बताया कि आपके पास फाइव हंड्रेड रुपीज हैं और ये पांच सौ रुपए आप गए हैं मार्केट में खर्च करने के लिए कि इनमें ऑरेंजेस और एप्पल्स लेने हैं तो आप उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाते हो आप सोचते हो एप्पल एक किलो ले लू ऑरेंजेस पांच किलो ले लू फिर आप सोचते हो चलो एप्पल टू के जी कर लेते हैं ऑरेंजेस थ्री के जी कर लेते हैं ये कॉम्बिनेशन बनते हैं इनकम उतनी ही है फाइव हंड्रेड रुपीज उसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं यानी इनकम गिवन है और वो चेंज नहीं होती सेकेंड पॉइंट देखिएगा दोस्तों द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन सच गुड्स विच कैन बी सब्सिट्यूटेड फॉर ईच अदर कंज्यूमर अपनी इनकम उन गुड्स पर खर्च करता है जिनको एक दूसरे पर सब्सटीट्यूट किया जा सकता है जैसे एप्पल्स के बदले ऑरेंज या ऑरेंज के बदले एप्पल्स लिए जा सकते हैं और जैसा मैंने अभी बताया गुलाब जामुन और रसगुल्ले को आप सब्सिट्यूट कर सकते हो एक दूसरे से कुछ ऐसे प्रोडक्ट और भी बहुत सारे मिल जाएंगे और थर्ड एजम्पन देखिएगा द कंज्यूमर्स प्रेफरेंस इज वेल डिफाइंड जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस है प्राथमिकता है वो पूरी तरह डिफाइंड होती है यानी कंज्यूमर को पता होता है कि किस गुड की उसको ज्यादा क्वांटिटी खरीदनी है और किस गुड की उसे कम क्वांटिटी खरीदनी है यानी वो अंडरस्टूड है कि कहा उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलनी है कंज्यूमर इज वेल अवेयर किसी एक गुड की जो ज्यादा क्वांटिटी है उससे ऑफकोर्स उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है और फिफ्थ एजम्सन क्या है कंज्यूमर इज रैशनल रैशनल का मतलब होता है विवेकशील बुद्धिमान यानी जो कंज्यूमर है वो अपना डिसीजन बड़ा सोच समझ कर लेता है वो वो जो करता करता है, है। बहुत सोच समझ कर करता है. He is well aware कि उसे सिंपल सी बात है कि देखिए अगर उसको सेब से ज्यादा ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो वो सेब की क्वांटिटी बढ़ाता है और एनजीस की कम कर देता है और एक चीज और है कि कंज्यूमर को पता है कि किस प्रोडक्ट से कितनी सेटिस्फेक्शन मिलनी है उसको इसलिए वो अपना डिसीजन बड़े सोच समझ कर लेता है तो दीज आर एनालिसिस मुझे उम्मीद है दोस्तों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने के लिए ये आपको क्लियर हुआ होगा एंड में इसका मीनिंग एक बार फिर से सुन ले कि जो इंडिफरेंस कर्व है ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है कि दो गुड्स के कॉम्बिनेशन का उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाए जाते हैं ऐसे गुड्स जो एक दूसरे को सब्सटीट्यूट करते हैं और हर कॉम्बिनेशन जैसे यहां चार कॉम्बिनेशन दिखाए गए हैं हर जगह कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है और इसे ही बोलते हैं इनडिफरेंट यानी अगर वो ए कॉम्बिनेशन लेता है जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वही बी पे मिलेगी वही सी पे मिलेगी वही डी पे मिलेगी यानी उसकी पोजीशन डिफरेंट नहीं है बल्कि इनडिफरेंट है उम्मीद है दोस्तों कर्व का ये मीनिंग आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा स्टे कनेक्टेड इंप्रूव योर नॉलेज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए